Good morning, student. I am Ajay. I am lecturer of Mechanical Engineering Department, and today's topic turbines. आज हमारा subject है hydraulics and pneumatic, और इसका topic है turbine. Turbine क्या होती है? The hydraulic machine which convert hydraulic energy into mechanical energy. और कॉल्ड टर्बाइंस वो है, वो हाइड्रोलिक मशीन है विच जो कि कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और कॉल्ड टर्बाइंस. दिस मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू इन रनिंग एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इज डायरेक्टली कपल्ड टू द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन. जो ये मैकेनिकल एनर्जी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो डायरेक्टली कपल्ड होते हैं टर्बाइन की शाफ्ट के साथ, जिससे कि हम इस एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टर्बाइन. आगे इसकी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फ्लो पाथ. एक्सियल फ्लो हाइड्रोलिक टर्बाइन वो क्या होती है? एक्सियल फ्लो क्या होता है कि फ्लो पाथ ऑफ द लिक्विड मेनली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसकी एग्जांपल है कैप्लन टर्बाइन. जैसे कि ये है, इसमें क्या है कि जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारा वाटर है, वो यहां से एंटर करेगा, साइड से, बिल्कुल साइड से इधर से एंटर करेगा, और जो वाटर है वो हमारा स्ट्राइक करेगा ब्लेड के ऊपर, इस शाफ्ट के एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के साथ ये वाटर फ्लो करेगा. इसको हम बोलते हैं एक्सियल फ्लो. और जो ये शाफ्ट का जो बीच वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं बॉस. और जो ऊपर जो शाफ्ट है ये हमारी कनेक्टेड होती है इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ. आगे है रेडियल फ्लो. रेडियल फ्लो में क्या होता है कि रेडियल फ्लो क्या है कि जो वाटर हमारा इसके रेडियल के ऊपर, रेडियल के साथ इसके साथ फ्लो करता है, उसे हम बोलते हैं रेडियल फ्लो. और रेडियल फ्लो और जो शाफ्ट है ये कनेक्टेड होती है हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ. हमारा वाटर कहाँ से फ्लो करेगा? यहाँ से, इसके पूरे रेडियल के साथ. और जो गाइड वेन है ये क्या करेंगे, इस पाथ को, इसको रास्ता दिखाएंगे किस तरफ को इसको फ्लो होना है. नेक्स्ट है हमारा टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन. टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन क्या है? इसमें क्या होगा कि हमारा जो फ्लूइड है वो टेंजेंशियल फ्लो करेगा. जैसे कि ये सर्कल है, ये सर्कल के कोई साथ कोई भी लाइन ऐसे जाएगी तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट. तो ऐसे ही हमारा ये फ्लूइड है जो यहाँ से टेंजेंशियली फ्लो करेगा तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन. नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन. मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन में क्या होगा कि हमारा जो फ्लूइड है वो एंटर करेगा यहां से रेडियली, जहाँ से रेडियली फ्लो करेगा यहाँ पे, जहाँ से फ्लो करेगा और जो आउट होगा, जो बाहर जाएगा तब ये एक्चुअली फ्लो करेगा, रेडियल और एक्चुअली फ्लो करेगा. तो ये एग्जांपल है फ्रांसिस टर्बाइन की. और यहाँ से क्या है, यहाँ पे ऊपर एक शाफ्ट लगी हुई है, ये मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन है. और ये ऊपर जो शाफ्ट है ये हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, जिससे हम की इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से एक्चुअली यहाँ से बाहर आएगा और रेडियली एंटर करेगा.
और जो हमारी आगे हाइड्रोलिक टर्बाइंस है वो हमारी दो टाइप्स की है, वर्किंग प्रिंसिपल के बेस के ऊपर है। वो पहली है इम्पल्स टर्बाइन और उसके बाद है रिएक्शन टर्बाइन। हम पहले बात करेंगे इम्पल्स टर्बाइन की। इम्पल्स टर्बाइन, द प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज वाइल फ्लोइंग थ्रू द रोटर ऑफ द मशीन। इसमें क्या है कि जब प्रेशर जो है इसका वो चेंज नहीं होगा, जब हमारा फ्लूड जो है मशीन के अंदर से फ्लो करेगा तब हमारा ये यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। एंड प्रेशर चेंज अकर ओनली इन द नोजल। हाँ, और इसमें एक और चीज़ क्या होती है कि हम नोजल लगाते हैं, नोजल के अंदर इसका जो है प्रेशर जो चेंज होता है वो इसके नोजल में होता है। इसकी एग्जांपल है पेल्टन टर्बाइन की। द एनर्जी टू रोटेट एन इम्पल्स टर्बाइन इज अ ड्राइव फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द नोजल। जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ से फ्लो करेगी, जो नोजल के थ्रू फ्लो करेगी वो क्या करेगी, वो जो टर्बाइन को है उसको रोटेट करेगी, उसको ड्राइव करेगी, उसको हमारे जैसे ये डायग्राम है। इसमें क्या है, ये हमारा है पेनस्टोक, यहाँ से डैम में हमने पानी रखा हुआ है तो वहां से हम सीधा पानी कहाँ से कैसे आएगा, पेनस्टोक के जरिए नीचे आएगा। और ये क्या है हमारे, इसको हम बोलते हैं रनर, ये है रनर। और इसको हमने यहाँ से केसिंग की होती है ताकि ये जो वाटर इसके अंदर स्ट्राइक करेगा वो बाहर ना आए, इसलिए इसको हमने जहाँ से केसिंग की होती है उसको हम बोलते हैं केसिंग। और ये इसको हम बोलते हैं बकेट्स, बकेट्स। और ये हमारी नोजल है, नोजल यहाँ पर स्पेयर लगा होता है जिसके जिससे कि हम इसका प्रेशर को हम कंट्रोल करते हैं कि हमने कितना पानी छोड़ना है कितना पानी नहीं छोड़ना, उससे हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके पीछे जो लगा होता है हैंड व्हील, हैंड व्हील के जरिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं मैन्युअली। और जो जब ये नोजल से वाटर जो है स्ट्राइक करेगा तो ये सीधा स्ट्राइक करेगा बकेट्स के ऊपर, जो बकेट्स के ऊपर ये स्ट्राइक करेगा तो ये सिर्फ इस तरफ को रोटेट करेगा। और जब जो रोटेट करेगा जो पानी नीचे रह जाता है उसको हम बोलते हैं टेल स्ट्रोक। और इसके ये पार्ट्स हैं, जिसके ये हमारी पाइप है और इसके अंदर ये नोजल लगी हुई है और ये बकेट्स है, ये ऐसा ये हमारा रनर है, रनर के ऊपर ये बकेट्स लगी हुई है और ये इसकी केसिंग है, ये केसिंग की ऐसे केसिंग की होती है। तो हम यहाँ पे क्या होगा कि जब नोजल से पानी बकेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये रोटेट करेगा। तो हमने क्या किया होता है कि यहाँ से शाफ्ट जो है हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ कनेक्टेड होती है, जब भी हम ये पानी आएगा तो हमारी जो शाफ्ट जो रोटेट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। इस तरह का बकेट होता है ये। इसमें क्या होगा, पानी कहाँ जो वाटर है वो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ में सेंटर में स्ट्राइक करेगा। तो ये जब इधर को फ्लो करेगा, इधर को फ्लो करेगा तो इसको क्या करेगा, ये पुश करेगा, इम्पल्स करेगा। द पेल्टन टर्बाइन इज अ जनरली यूज वेयर अ हाई हेड ऑफ वाटर इज अवेलेबल एंड अ फ्लो रेट रिलेटिवली लो। अभी क्या है कि जो पेल्टन टर्बाइन है हमारी वो क्या है, वहाँ वो कहाँ यूज होगी, जहाँ पर हमारा जो वाटर का हेड है वो हाई रहेगा, और हाई रहेगा और जो फ्लो रेटर जो है वो लो होगा, फ्लो रेट जो इसका लो होगा और हेड उसका हाई होगा। जैसे कि हमारे डैम्स में होता है कि डैम हमारे क्या है, बहुत ही हम उसको ऊपर हाइट के ऊपर रखते हैं और जो उसको हम जब वाटर छोड़ते हैं, हम जब गेट ओपन होते हैं तो वाटर बहुत ही जो स्लोली स्लो आता है। और
आगे क्या है, फॉर लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स दे आर नॉर्मली यूज्ड व्हेन हेड हाइट इज मोर देन 450 मीटर इज अवेलेबल। ये कहाँ पे यूज होता है, जहां पर किया है 450 मीटर के ऊपर जो है हमारी जो हेड रहेगा तब हम इसको यूज करेंगे पेल्टन टर्बाइन को। बट दे कैन यूज फॉर हेड्स 200 मीटर, हम इसको 200 मीटर के ऊपर भी इसको यूज कर सकते हैं 200 मीटर तक, और इसका मैक्सिमम जो है वो 1000 मीटर तक हम इसको यूज कर सकते हैं। जनरली इसको हम 1000 मीटर तक यूज करेंगे। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन वर्किंग प्रिंसिप। आगे हमारी है रिएक्शन टर्बाइन। द प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स चेंजेस व्हाइल इट फ्लो थ्रू द रोटर ऑफ द मशीन। द चेंज इन फ्लूइड वेलोसिटी एंड रिडक्शन इन इट्स प्रेशर कॉजेज ए रिएक्शन ऑन द टर्बाइन ब्लेड्स। अब इसमें क्या होगा कि जो फ्लूइड हमारा है उसका जो वेलोसिटी में चेंज आएगा और जो प्रेशर उसका जो है रिडक्शन जाएगा, रिडक्शन इन इट्स प्रेशर। जो टर्बाइन के साथ जब ये ब्लेड्स के टर्बाइन के अंदर जाएगा फ्लूइड और ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा और जो इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, और इसकी एग्जांपल है फ्रांसिस और कैप्टन टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन आगे हमारी है। फ्रांसिस टर्बाइन क्या है, फ्रांसिस टर्बाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इम्पल्स एंड रिएक्शन टर्बाइन। अब इसमें क्या होगा कि जो फ्रांसिस टर्बाइन है हमारी वो हमारी कॉम्बिनेशन है इम्पल्स की भी और रिएक्शन टर्बाइन की भी। इम्पल्स क्या है, फोर्स इंटू टाइम, कि जो फोर्स कितने टाइम के लिए लगी है, कितने टाइम के लिए। जैसे कि हमारी क्रिकेट बॉल है वो बैट के ऊपर स्ट्राइक की तो टक से आवाज आएगी और उसी टाइम वो चली जाएगी, वैसा उसको बोलते हैं इम्पल्स। वेयर द ब्लेड्स रोटेट यूजिंग बोथ रिएक्शन एंड इम्पल्स फोर्स ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी मोर एफिशिएंटली। अब इम्पल्स और रिएक्शन का जो कॉम्बिनेशन है, ये भी जो फोर्स जो इसको स्ट्राइक करेगी वाटर को, वाटर फ्लो करेगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और जो और ये मोर एफिशिएंट होगा। फ्रांसिस टर्बाइन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो पावर स्टेशन। जो फ्रांसिस टर्बाइन है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर स्टेशन में यूज होती है। अब फ्रांसिस टर्बाइन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन टर्बाइन। जो ये रिएक्शन टर्बाइन की टाइप है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन मीडियम और लार्ज स्केल। इसको हम मीडियम स्केल पे भी यूज कर सकते हैं और लार्ज स्केल पे भी। दिस टर्बाइन कैन बी यूज्ड फॉर हेड्स एज ए लो एज ए 2 मीटर एंड एज ए हाई एज ए 300 मीटर। हम इसको 2 मीटर के ऊपर और 300 मीटर के नीचे इसको हम यूज कर सकते हैं। और ये हमारी फ्रांसिस टर्बाइन है, उसमें क्या रहेगा कि यहां से जो हमारा वाटर है वो यहां से फ्लो करेगा, रेडियली फ्लो होगा और ये ब्लेड्स के ऊपर, ये ब्लेड्स के साथ रेडियली फ्लो होगा और ये हमारे यहाँ जो है गाइड वेंट्स होते हैं और ये फिक्स, ये है हमारे फिक्स ब्लेड और ये हमारा जो गाइड वेन है जो कि वाटर को गाइड करेगा फ्लो होने के लिए। इसमें क्या रहेगा कि जो वाटर है हमारा वो फ्लो करेगा रेडियल, रेडियल के साथ फ्लो करेगा और जो जब वो वाटर आउट होगा, आउट फ्लो होगा तो वो एक्चुअली फ्लो होगा, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन। और हमारे आगे कंपोनेंट्स हैं फ्रांसिस टर्बाइन के, और इसमें पेनस्ट्रोक, पेनस्ट्रोक क्या है कि जो हमारी डैम्स के साथ जो है वो वहां से वाटर जो एंटर होगा पेनस्ट्रोक के थ्रू, यहां से
अंदर वाटर एंटर होगा और जो ये वाटर क्या करे ऐसे घूमेगा, ऐसे स्ट्राइक करेगा ब्लेड्स के ऊपर। ये हमारा जो है रनर है और ये हमारे गाइड वेन है जो कि फिक्स्ड ब्लेड होते हैं और मूवेबल ब्लेड भी होते हैं। और ये हमारी जो है स्पाइरल केसिंग हम इसको बोलते हैं, जैसे ये केसिंग की हुई है ये बाहर वाली, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल केसिंग। इसमें कौन कौन से होते हैं, गाइड वेन्स, रनर और ये ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब में क्या होगा कि हमारा प्रेशर जो है वेलोसिटी में चेंज आएगा और प्रेशर राइज हो जाएगा, हमारा प्रेशर चेंज होएगा। और उसके आगे है हमारी कैपलन टर्बाइन। द कैपलन टर्बाइन इज एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन विच मीन्स दैट द वर्किंग फ्लूइड चेंजेस प्रेशर एज इट मूव्स थ्रू द टर्बाइन एंड गिव्स अप इट्स एनर्जी। अभी कैपलन टर्बाइन में क्या होगा कि जो हमारा फ्लूइड है वो एंटर होगा, एक्सियली एंटर होगा और इसके प्रेशर में जो है चेंजेस आएंगे, मूव होगा प्रेशर जो है मूव होगा और हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है मिलेगी। पावर इज रिकवर्ड फ्रॉम बोथ हाइड्रोस्टैटिक हेड एंड फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। A Kaplan turbine is basically a propeller with adjustable blades. इसमें क्या होगा कि जो ब्लेड्स है हमारे वो एडजस्टेबल होंगे और जो वाटर है उसके एक्सियल पर फ्लो होगा। तो जो ब्लेड्स के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, वो हमारा वाटर स्ट्राइक करेगा। जैसे कि ये डायग्राम में हम देखेंगे, जहां से हमारा जो वाटर एंटर करेगा ये हमारे गाइड वेन्स है और यहाँ से हमारा जो वाटर है वो यहाँ पर स्ट्राइक करेगा ब्लेड्स के ऊपर की और ऊपर स्ट्राइक करेगा। और जो एक्सियली स्ट्राइक होगा तो ये एक्सियली ही आगे आउट होगा। तो इस हिस्से को हम बोलते हैं बॉस। और जो हमारी ये ऊपर वाली शाफ्ट है ये हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ। और ये हमारी कैपलन टर्बाइन है और इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं नोज कौन भी बोलते हैं, इसको बोस भी हम बोलते हैं। और ये हमारी शाफ्ट जो है ड्रिवन शाफ्ट है, जो हमारी शाफ्ट घूमेगी और यहां से क्या होगा, यहां से वाटर एंटर करेगा, एक्सियली फ्लो होगा और ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा। जो ब्लेड्स जो है ये एडजस्टेबल ब्लेड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैपलन प्रोपेलर टर्बाइन। इसमें क्या है, इसमें भी सेम ही है कि हमारे गाइड वेन से यहाँ पे वाटर स्ट्राइक करेगा, एक्सियली फ्लो होगा और ये हमारा रनर से जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये हमारा बॉस है और ये जो है गाइड ब्लेड्स है। इसमें क्या होगा कि ये एडजस्टेबल होंगे, इसके ऊपर जब वाटर स्ट्राइक करेगा तो ये रोटेट करेंगे। बिग कैपलन टर्बाइन है, कैपलर प्रोपेलर टर्बाइन है, एक्जिली फ्लो होगा जब, तो यहां से जो इस वाटर है वो हमारा आउट हो जाएगा और यहाँ पे जो ड्राफ्ट ट्यूब के जरिए ये हमारा वाटर आउट होगा। और ये इसकी एग्जांपल है, जो रियल में ये ऐसा दिखता है कि ये जो है इसके ब्लेड्स हैं एडजस्टेबल ब्लेड्स और ये इसकी शाफ्ट है और जिसको हम बोलते हैं बॉस। रियल में ये इतना ऐसा होता है। अभी हम जहां पर हेड की बात कर रहे थे हम, कि जो इम्पल्स टर्बाइन जो पैल्टन टर्बाइन है वो 450 मीटर के ऊपर हेड की भी हम यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन जो 20 मीटर से लेके 100 मीटर तक जो हाइट होगी उसमें हम सिर्फ फ्रांसिस टर्बाइन यूज करेंगे। और जहां पे 5 मीटर से 20 मीटर तक का हेड होगा तो वहां सिर्फ हमारी जो है प्रोपेलर कैपलन टर्बाइन ही यूज होगी।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट कुछ डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछना। थैंक यू।